बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी को प्रेगनेंसी या हमल है तो उसके अंदर भी हमल भी ब्लड प्रेशर के बनने या पैदा होने का वजह बन सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे ये वाला ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है ये पहले 20 हफ्तों में नहीं होता। यही निशानी है जो फ़र्क करती है कि ब्लड प्रेशर पहले से था और प्रेगनेंसी में हमें पता चला, या प्रेगनेंसी ही वो वजह है जिसकी वजह से बीपी का मर्ज़ हो गया। तो बीपी का मर्ज़ जो प्रेगनेंसी की वजह से पैदा होता है वो 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद आता है। उसकी क्या वजह है वो डिटेल इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, आम लोगों को उसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसकी भी एक टेक्निकल वजह मौजूद है। ये ब्लड प्रेशर जब एक दफ़ा होना शुरू हो जाए तो इसके लिए कुछ ख़ास अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और वो तकरीबन 4 किस्म की अद्वियात होती हैं, और उन अद्वियात को में से भी कुछ प्रेफरेंस होती है कि कुछ दवाइयां पहले और कुछ को बाद के लिए रखा जाता है। दुनिया की कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी ये प्रेगनेंसी के लिहाज से काफ़ी सेफ़ मानी जाती हैं और इनके नुकसान कम हैं, और इनको सेफली इस्तेमाल किया भी गया। मेरे भी पर्सनल इस्तेमाल के अंदर मैंने बहुत सारे मरीज़ों में ये इस्तेमाल करवाई, और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इनमें से बहुत सारी दवाइयाँ जो उनसी हैं, जैसे कि हमारे लिटरेचर में भी मौजूद है कि वो प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों के लिए महफूज हैं। ब्लड प्रेशर का टारगेट कोशिश करें कि आप 120/80 रखें। इसमें 140/90 का जो फिगर है वो अचीव ना हो तो बेहतर है। कुछ लोग 140/90 से नीचे ब्लड प्रेशर को इसमें नॉर्मल मानते हैं, लेकिन इन जनरल मेरी इसमें रिक्वेस्ट ये होती है कि इसको 120/80 के करीब रखा जाए। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि इल्म दूसरों तक पहुंच सके, जितना रखा जा सके। हाँ, बिल्पी बहुत लो भी नहीं होना चाहिए कि माँ को चक्कर आना शुरू हो जाएं, लेकिन जितना 140 से दूर रहेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस के चांस कम हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये हैं कि कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर बीपी एक ख़ास मर्ज़ में तब्दील हो जाता है, जिसको हम प्रीक्लैम्पशिया या एक्लैम्पशिया कहते हैं। मैं इसके ऊपर आने वाले वक्त में वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ब्लड प्रेशर पे बात करना चाहता हूं। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनके कुछ टेस्ट होने चाहिए, और उसके अंदर रेगुलर जो ब्लड प्रेशर के टेस्ट हैं ये कदरे उनसे मुख्तलिफ होते हैं, और इसके अंदर यूरिक एसिड भी चेक किया जाता है, यूरिन सिंपल यूरिन की जाती है और उसमें प्रोटीन को देखा जाता है, ब्लड में क्रिएटिनिन चेक की जाती है, और शुगर के चेक करने का भी जब 25 हफ्ते हो जाएं तो उसको दोबारा चेक किया जाता है, एक दफ़ा शुरू के ट्राइमेस्टर में और एक दफ़ा 25 हफ्ते के ऊपर। जितना नज़र रखी जाएगी इन पैरामीटर्स पे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ब्लड प्रेशर अगले मर्ज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो गुर्दे में से प्रोटीन लीक शुरू कर देता है, तो फौरी तौर पे पॉलिसी थोड़ी सी बदल जाती है, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी का टारगेट भी बदल जाता। इस वीडियो से जो सीखने की बात है वो आप ये सिर्फ याद रखें कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं था लेकिन 20 हफ्ते प्रेगनेंसी गुजरने के बाद अब ब्लड प्रेशर शुरू हो चुका है, तो अब आपको ये गालबन इसी प्रेगनेंसी की वजह से बीपी हुआ है। इसके अंदर आप डोपलर वगैरह करवा के ये भी चेक करेंगे कि बच्चे को ब्लड सही तरह पहुंच रहा है, कि उसके अंदर किसी किस्म की खुराक की कमी ना पहुंचे। उसके लिए डोपलर करवाया जाता है, और ये बड़ी आसानी से हर जगह अवेलेबल है, और इस बात की भी सबूत मिल जाता है कि उसमें कुछ कमी है। उसके लिए क्या करना है वो आपके प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, वो आपको बेहतर बता सकती हैं, लेकिन अपने बीपी के टारगेट को अचीव करने के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप बार बार अपने फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से फीडबैक देंगे तो उस सूरत में दवाई एडजस्ट होगी और आपका बीपी 120/80 के करीब करीब रहेगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।